गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, खाइए बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर मैं एक गंभीर और बहुत ही बड़ी बात है ये, और अगर इस बात का सोल्यूशन नहीं हुआ ना तो मेरा डिवोर्स तक हो सकता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपकी डिवोर्स तक न बता गई? बताइए मुझे। डॉक्टर साहब हमारे बीच में बहुत सारी टेंशन चल रही है, इसलिए मैंने आपके पास आना उचित समझा। डॉक्टर साहब मैंने अभी कुछ समय पहले नसबंदी कराई थी और उसके बाद मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। देखिए ये बताइए कि आपने नसबंदी कब करवाई थी? डॉक्टर साहब 6 महीने। शायद आपको नहीं पता कि नसबंदी के 3 महीने तक फिजिकल रिलेशन नहीं किए जाते। तो क्या आपने अपनी वाइफ के साथ में 3 महीने के अंदर फिजिकल रिलेशन किया था? जी। ठीक है, नहीं मिली। अब आप आए तो मैं बता रही हूँ कि आपने नसबंदी के 3 महीने बाद चेकअप कराया था। नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो कोई जांच नहीं कराई। देखिए जहाँ पर आपकी नसबंदी हुई उस नब्ज के आसपास कोई शुक्राणु तो नहीं रह गए। अगर शुक्राणु रह गए तो आफ्टर 3 मंथ्स वहाँ प्रेगनेंसी का पूरा चांस रहता है। देखिए अगर ऐसी समस्या कभी आती भी है तो अपनी वाइफ पर उंगली उठाने से पहले आपको हर बात की पूरी जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बीबी के पेट में किसी और का बच्चा है, आपका नहीं है, तो आप एक छोटा सा टेस्ट करा सकते हैं, उसे कहते हैं डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट कराने के बाद कन्फर्म हो जाता है कि वो बच्चा आप ही का है या किसी और का। और रही नसबंदी वाली बात, तो नसबंदी कराते वक्त हमारी शुक्राणु वाली नस काट दी जाती है। देखिए ये जरूरी नहीं कि आपकी जो नस काट दी गई है वहाँ पर शुक्राणु बन रहे हैं या नहीं, या आपका जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वो स्पर्म हो रहा है या नहीं। आपका 3 महीने बाद चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि आपका स्पर्म की जो नस काटी गई थी वो बराबर वर्क कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा है तो उसके बाद ही ये डिसीजन आप ले सकते हैं कि ये बच्चा आप ही का है। क्या आपने ऐसा कराया? नहीं डॉक्टर साहब। आपको बताया नहीं गया था कि ऑपरेशन के 3 महीने बाद चेकअप भी कराना होता है? नहीं डॉक्टर, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि मुझे चेकअप करवाना है। आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया या प्राइवेट हॉस्पिटल से? अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हमें बताया जाता है कि नसबंदी के कितने मंथ बाद आपको अपनी वाइफ के साथ रिलेशन करना चाहिए और कितने महीने के बाद नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी दी जाती है जो शायद आपको नहीं दी गई। मेरा मानना तो ये है कि अगर नसबंदी के 3 मंथ से पहले आपने रिलेशन बनाए हैं अपनी वाइफ के साथ तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए मेरी सलाह ये है कि जहाँ पर आपने अपनी नसबंदी करवाई उस डॉक्टर से जाके अपने स्पर्म की जांच करवा लें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो ऑपरेशन आपका हुआ है वहाँ पर कोई शुक्राणु तो नहीं बन रहे हैं। अगर शुक्राणु बन रहे हैं तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपनी वाइफ पर उंगली उठाने से पहले आपने जहाँ अपना ऑपरेशन कराया है वहाँ जाकर एक बार अपने स्पर्म की जांच करवा लें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ आपने ऑपरेशन कराया वहाँ शुक्राणु बन रहे हैं। अगर शुक्राणु बन रहे हैं तो आपकी वाइफ का प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और ये मान लीजिए कि आपका ऑपरेशन सक्सेस ही नहीं हुआ, और सक्सेस ना होने के कारण आपको ऑपरेशन दोबारा करवाना पड़ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नसबंदी कराने के बाद आप 3 महीने तक कोई भी रिलेशन ना बनाए। अगर आप रिलेशन बनाते भी हैं तो उस दौरान आपको डॉक्टर प्रिकॉशन लिखती है, आपको उस प्रिकॉशन का यूज़ करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये करिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ जाकर डॉक्टर से मिलिए। हर मर्द ये सोचता है कि मैंने तो ऑपरेशन करा लिया तो उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है। हमने आपको पहले भी बताया कि ऐसा भी हो सकता है। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले ये जांच कर लीजिए कि फॉल्ट कहां पर हुआ है। अब तो आपको सारी जानकारी मिल गई, या कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं? थैंक यू डॉक्टर, मैं अभी घर जाता हूँ और अपनी बीवी को लेके अभी चेकअप के लिए जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। मेरी सारी गलत फहमी दूर आपने कर दी, जो थोड़ी बहुत है वो चेकअप के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू।